राजस्थान के कोटा के जेके लोन सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक 107 मासूम बच्चे दम तोड़ चुके हैं। कोटा के बाद बूंदी में भी यह संक्रमण फैल गया है। यहां 10 मासूम जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इसी बीच कोटा मामले में गठित जांच समिति ने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति का कहना है कि अस्पताल में लगभग हर तरह के उपकरण और व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं। बच्चों की मौत का मुख्य कारण हाइपोथर्मिया बताया गया है। हालांकि सच्चाई यह है कि इससे बच्चों को बचाने के लिए आवश्यक अस्पताल का हर उपकरण खराब है। कोटा के अस्पताल में बीते 34 दिन में 107 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। जेके लोन अस्पताल में लगातार दम तोड़ रहे मासूमों की सुध लेने के लिए आज राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा पहुंच रहे हैं। ओम बिरला पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। नवजात शिशु का तापमान 36.5 डिग्री तक होना चाहिए। इसके लिए नर्सरी में वार्मर के जरिए उनके तापमान को 28 से 32 डिग्री के बीच रखा जाता है। अस्पताल में मौजूद 71 में से 44 वार्मर खराब पड़े हैं, जिसके कारण नर्सरी में तापमान गिर गया और बच्चे हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए हैं। हम आपको बता दें कि अस्पताल के लगभग काफी उपकरण खराब पड़े हैं, जैसे कि 28 में से 22 नेबुलाइजर खराब है, 111 में से 81 इन्फ्यूजन पंप काम नहीं कर रहे हैं, 101 में से 28 मल्टी पैरा मॉनिटर का भी स्थिति ठीक नहीं है, 38 में से 32 पल्स ऑक्सीमीटर खराब है। आइए अब आपको बताते हैं कि अस्पतालों में क्या कमियां रही जिन वजह से मासूमों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में कम से कम 40 और बेड की जरूरत है। वहीं पूरे राज्य में अस्पतालों में 4100 बेड की जरूरत है। कोटा के अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं है, यहां सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है। इसी तरह की स्थिति जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर में भी है। हर 3 महीने में आईसीयू और फ्यूमिगेट करके इन्फेक्शन दूर करना जरूरी होता है, लेकिन अस्पताल में यह कार्य 5 से 6 महीनों तक नहीं किया जाता। राज्य के लगभग हर अस्पताल में बच्चों के इलाज का रिकॉर्ड नहीं है। बच्चों के इलाज के लिए 230 में से 44 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खचियारावास और विधायक दिनेश अबरार के साथ अस्पताल पहुंचे, लेकिन मंत्री के दौरे से पहले और बाद में एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं मंत्री के स्वागत के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा बिछाए गए ग्रीन कार्पेट ने विवाद खड़ा कर दिया है। मंत्री की आवभगत में अस्पताल प्रशासन इतना व्यस्त हो रहा है कि वह उस बच्ची को भी नहीं बचा सका जिससे मंत्री आईसीयू में मिले थे। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में हर साल 28 दिन से कम उम्र के 34,000 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ देते हैं। वहीं एक वर्ष तक के बच्चों की मौत का यह आंकड़ा 41,000 से ज्यादा है। इससे हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि बच्चों के इलाज के लिए 230 में से 44 वेंटिलेटर खराब है, वहीं 1430 वार्मर भी खराब है। अवस्था का आलम यह है कि अलग अलग उम्र के 490 से अधिक बच्चे हर सप्ताह दम तोड़ देते हैं। राज्य के जिला अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के कारण जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रोजाना औसतन 180 बच्चे रेफर होकर पहुंच रहे हैं। सरकारी अस्पताल प्रबंधक मशीनों के खराब होने की जानकारी पोर्टल पर नहीं देते हैं। उन पर निजी लैब संचालकों से सांठगांठ का आरोप है। कई सरकारी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिस्ट का भी डॉक्टर नहीं है। दिसंबर माह में पूरे 1 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 10 बच्चों की मृत्यु हुई, अलग अलग बीमारियों से हुई है। और कुछ बच्चे जैसे बाहर से भी रेफर होकर आए थे और कुछ बच्चे कम वजन के बच्चे थे, किसी के सांस लेने में तकलीफ थी और गंदा पानी पी गए थे कुछ बच्चे, उस कारण से हुआ था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।